है, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टडी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। क्या है? आयोनिक क्रिस्टल। इसी को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो। क्या बात करेंगे? लिमिटिंग रेडियस, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसी का पूरा नाम क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म LRR। जब भी बात करेंगे तो LRR होगा। देखिएगा, इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि एक मोस्टली बताइए कि आयोनिक है तो आयोनिक में किससे होता है, कटायन होता है और अनायन होता है, तो क्या बोलेंगे? आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म बाय, आयोनिक क्रिस्टल जो होगा वो किससे बनेगा? आयोनिक क्रिस्टल बनता है कटायन एंड एनायन। तो क्या लिखवा है? आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म बाय कटायन एंड एनायन। ठीक है, ठीक है। एक और बात जान लीजिएगा, कटायन हैज स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज वाइल एनायन हैज लार्जर साइज। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। देखिएगा, हम ये लिखे कोई भी कटाई, जैसे आप अपने से ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, कि कोई भी आप है ना NaCl को देखे, क्या देखे? NaCl को। तो NaCl को पता है ना कि इसमें प्लस माइनस टूट सकता है, तो जाहिर सी बात क्या, ये आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है। अब अच्छा, अभी लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या है अभी हम नहीं समझा रहे हैं, अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे NaCl हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, ये जो होगा वो किससे बना होगा? Na प्लस NaCl माइनस, तो प्लस वाला को क्या बोलते हैं? कटायन, और माइनस वाला को क्या बोलते हैं? एनायन। क्या बोलते हैं? प्लस वाले को क्या बोलेंगे? कटायन, और माइनस वाले को क्या बोलेंगे? एनायन। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या है। अब देखिएगा क्या है, मामला ये है कि आपका जो आयनिक क्रिस्टल है, अब एक क्वेश्चन आता है, छोटा बस छोटा सा क्वेश्चन है कि ज्यादा बड़ा कौन होता है, कटायन होता है कैनायन होता है? कटायन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। ये थोड़ा बहुत पता ही होगा, बस थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। और अनायन कैसे पड़ता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या बना? यहाँ पे गेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गेन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कटायन लेता हूँ या अनायन लेता हूँ, ठीक है। अब इसको समझने का जरा सा कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम में कितना होता है? 281 इलेक्ट्रॉन होता है, 281। Na प्लस में कितना हो जाएगा? 28। अब बताइए, एक प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो पहले कितना है? 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर बात करते हैं Na माइनस का, क्या बात करते हैं? Na माइनस का, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, किससे? न्यूट्रल वाले से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 282। अब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा साइज किसका है, खुद सोच के बताओ। इस दोनों में बताते हैं, यहाँ पे क्या है? सिर्फ के है और एल है, अरे तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑर्बिट है और यहाँ पे क्या है? तीन ऑर्बिट है। तो खुद सोचने वाली बात क्या है कि कटायन के पास सिर्फ टू ऑर्बिट होता है और अनायन के पास क्या होता है? थ्री ऑर्बिट होता है। इसलिए इसलिए कटायन हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और एनायन क्या होता है? लार्जर होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, अभी बस जस्ट देखेंगे, ठीक है। बोर्ड को रब कर लेते हैं। ओके ओके, अब देखिएगा, अब इसके आगे आप देखेंगे कि अब एक्चुअली अब LRR क्या होता है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है। देखिएगा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या है? LRR क्या होता है? ओके, देखिएगा LRR क्या है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले इसका फुल डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। इट इज रेडियस, इट इज रेशियो ऑफ कटायन रेडियस
एंड अनायन, मतलब क्या है कि ये रेशियो बनाता है, क्या बनाता है, ये रेशियो बताता है किसका, कटायन और अनायन का रेडियस का, ठीक है। मतलब की बात ये है कि अगर एल आर आर आपसे कोई पूछेगा एल आर आर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी प्लस एंड ए माइनस, ठीक है। अब देखिए बार बार हम ये चीज लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी के जब तक चलेगा क्लास तब तक मान लीजिए लेट द रेडियस ऑफ कटायन बी स्मॉलर, क्योंकि छोटा आ रहा है, मतलब साइड कटायन का क्या होता है छोटा होता है, इसलिए स्मॉलर कर दिए, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ एनायन बी कैपिटल आर, क्या हो जाएगा कैपिटल आर। तो हम लोग इसको आराम से क्या लिख देते हैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, मतलब एल आर आर क्या हो जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब देखिए एल आर आर से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक है, एल आर आर से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिएगा एल आर आर से क्या क्या समझ सकते हैं, एल आर, तो एल आर आर टेल्स अस अबाउट, क्या बताएगा, सबसे पहले क्या बताता है ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, क्या बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसे आएगा नहीं आएगा हम इसको देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड क्या बताता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ये भी इसका क्वेश्चन भी करके बताएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड कैसे बता रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। थर्ड में क्या बताता है ज्योमेट्री ऑफ वॉइड, यही मेन इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ वॉइड, मतलब ये है कि हम लोग चार तरह का वॉइड पढ़ेंगे तो सबका अलग अलग, ये आर बाय कैपिटल आर चेंज होने से ना वॉइड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, तब इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्या कि ओके अब हम लोग वॉइड जो देख रहे हैं क्या देखेंगे, सबसे पहला जो टाइप देखेंगे इसमें, इसमें भी चार तरह पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है ट्राई गोनल वॉइड, क्या है ट्राई गोनल वॉइड। अब देखिए ट्राई गोनल वॉइड को समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई गोनल वॉइड कैसे बनता है, ट्राई गोनल वॉइड है तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा थ्री होगा, ठीक है, यहाँ पे इट इज फॉर्म बाय, इट इज फॉर्म बाई थ्री एनायन एंड वन कटायन। ओके, समझने की कोशिश की जाए क्या है इन वॉइड, इससे कोई मतलब नहीं है, देखिएगा यहां पे तीन आइटम है तो तीन आइटम कैसे होगा, एक आइटम यहां दूसरा आइटम यहां और फिर तीसरा आइटम, ठीक है। देखिएगा अब हमने जैसे बात बताया क्या, देखिए कटायन है वॉइड में क्या है एनायन है, क्या है, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि दिखेगा, छोटा रहेगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है, देखिएगा एक एटम, दो एटम, तीन एटम, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश की, देखिए हमने अनायन है बड़ा साइज, यहाँ पे क्या है कटायन है, क्या है कटायन है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या है, ये क्या है आपका अनायन और ये क्या हो जाएगा केटायन, क्या है केटायन। अब इसको देखिए क्या है, अब इसका हमने जो बात किया था, ठीक है, वो अगर हम बात इसका सेंटर से क्या करते हैं ट्रायंगल को क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो मान लीजिए ए यहाँ है बी यहाँ है और सी यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है कैपिटल आर है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, क्या है एक्स है, यहाँ तक क्या हो जाएगा कैपिटल आर, और फिर और हमें क्या करना है कि रेडियस रेशियो निकालना है किसका कटायन और एनायन का, है ना। ओके, तो मान लीजिए यहां से, तो यहां से अगर लेके जाएंगे तो ये डिस्टेंस होगा तब ना अनायन भी ऐड हो जाएगा और कटायन भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे एक चीज जोड़ देंगे। ओके, तो आप देखिए ये वाला इसको मान लीजिए जेड, तो बताइएगा बी जेड का वैल्यू क्या होगा, एक कैपिटल आर और प्लस
कटायन का भी क्या ले रहे हैं, कटायन का भी क्या ले रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं, तो कटायन का क्या हो जाएगा स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा कैपिटल आर। बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, तो फिर आप देखिएगा हमें जो एल आर आर जो है, अब हमें ये एक छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी एक्स जेड, क्या है बी एक्स जेड, देखिए बी एक्स जेड में क्या है, बी एक्स जेड में ये है कि अच्छा ये चाई सी बात है ट्रायंगल बनेगा। अच्छा बताइए हमें ये पूरा जो ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी जो ट्रायंगल है, ठीक है ए बी सी ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, खुद सोचो कि तीन अगर राउंड बना देंगे उसके सेंटर से अगर ज्वाइन करेंगे तो कौन सा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसका सबका एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो बताइए एंगल बी का अगर 60 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, मतलब एंगल बी सॉरी जेड बी एक्स कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख ही देता हूँ, ठीक है लिख लेता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयर फॉर एंगल जेड बी एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा हम पाइथागोरस लगा भी सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री लेके जाता है, मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री लेके जाते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो फिर कॉस 30 डिग्री यहाँ पे क्या रख देते हैं, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है, यहाँ पे बेस है आपका कैपिटल आर, और फिर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज बताएं क्या बताएं आपका, देखिए अब इसका देखिए बेस पर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अच्छा आप हमें बताइए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, पता है ट्रिग्नोमेट्री आता है बताओ, देखो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा रूट थ्री बाई टू होता है, कितना होता है रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको आप सॉल्व करेंगे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल रूट थ्री कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पे इसको इधर इसको लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टू कैपिटल आर, ओके। अब इसको देखिएगा, अच्छा रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा रूट थ्री का वैल्यू कितना आता है, कितना होता है 1.732, कितना होता है 1.732, तो 1.732, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.732 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R, ओके। अब देखिएगा इसको समझने की कोशिश कीजिए 1.732 स्मॉल आर, अब देखिए हम ना कैपिटल आर को एक तरफ रखते हैं और स्मॉल आर को एक तरफ रखते हैं, देखिएगा कैपिटल आर यहाँ पे है तो यहाँ पे हम क्या कर दें इधर साइड में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है 1.732 इज इक्वल टू 2R माइनस 1.732 कैपिटल आर, तो यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल आर, यहाँ पे 2 में से घटा देंगे तो कितना होगा, तो 10 में से 2 गया तो 8, फिर 9 में से 3 गया तो 6, और उसके बाद में 9 में से 7 गया तो 2, और उसके बाद में 0.268 कितना होगा 0.268। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे 1.732, जब इसको और इधर में अब यहाँ पे R बचेगा, R को क्या कर लेंगे नीचे कर लेंगे, यहाँ सॉल्व फिर कितना होगा 0.155, कितना होगा 0.155। तो याद वाली बात क्या है कि कैप इसका ट्राइगोनल वॉइड का जो आता है वो कितना होता है, लिमिटिंग रेडियस कितना होता है 0.155, क्या होता है 0.155, याद रहेगा, ठीक है ओके ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछिए।
अच्छा ये आपसे कोई पूछेगा कि ये 0.155 से कितना तक हो सकता है, 0.155 से ना कितना तक हो सकता है, देखो 0 से 0.155 तक हो सकता है, ध्यान रख 0 से लेके 0.155। हम इसको बाद में चार्ट भी बनवाएंगे, वहां पे देख लीजिएगा, जो बोर्ड पे लिखा हुआ लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइप वॉइड पढ़ते हैं, अभी ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वाइड। ओके तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले ट्राइगोनल वॉइड देख लिए, अब क्या देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर में, ट्राइगोनल वॉइड हो गया, अब क्या देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या देखेंगे सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन प्रूफ जो है वो प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि प्रूफ जाने, उनके लिए सिर्फ प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे आता है। देखिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे आ रहा है, टेट्राहेड्रल जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पे जो होता है वो कहाँ होता है ये बात जाहिर सी बात है। देखिएगा यहाँ पे अगर हम FCC में अगर देखते हैं, इन FCC या फिर देख लेते हैं BCC, इन BCC अनायन is at corner, anion कहाँ होगा corner पे, and cation is at body center पे होगा। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे होगा, देखिएगा एक यहाँ पे क्यूब बना लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा क्या है यहाँ पे कि एटम कहाँ कहाँ रख रहे हैं, देखिएगा एटम कहाँ है, एक एटम आपका इस कॉर्नर पे है, हम इसको बड़ा इसलिए बना रहे हैं ना क्योंकि हमको जरूरत है, ठीक है। अब देखिएगा और सब ना छोटा सा, यहाँ भी बड़ा बना सकते हैं पर बड़ा हो जाएगा गंदा हो जाएगा इसलिए नहीं बनाया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एटम है, 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 यहाँ पे एटम, ठीक है, और एक बॉडी सेंटर पे भी क्या है एटम है, तो वो क्या है कटायन है, क्या है कटायन है, ठीक है। अब इसको समझने से कोशिश कीजिए कैसे हो रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि कैसे, सबसे पहले फोटो देखिए, अब देखिएगा देखिए अब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ का मेजरमेंट क्या है, इस पूरे लेंथ का मेजरमेंट है ए, क्या है ए। अब इसको समझने को कोशिश कीजिए, और यहां पे भी क्या है एक एटम होगा, देखिए यहां पे भी एटम होगा, एक यहां पे भी एटम, ठीक है, सिमिलरली यहां पे एटम होगा। देखिए ये एटम और ये एटम, इस दोनों के बीच में गैप कितना है, तो बताइएगा ये एक्चुअली गोल्ड के देखिएगा तो ये क्या है आपको फेस डायगोनल है, क्या है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का मतलब क्या हो जाएगा √2a, तो फेस डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फेस, हम पहले ये डिराइव किए हुए हैं तो √2a। अब इसको समझने का कोशिश कीजिएगा √2a यहाँ पे कैसे लेना देना है, देखिएगा एक एटम r यहाँ पे है और एक एटम r यहाँ पे है, तो दोनों मिलाए कितना हो जाएगा 2r, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2r इज इक्वल टू √2a, क्या हो जाएगा 2r इज इक्वल टू √2a। हमें क्या निकालना है, हमें a का वैल्यू निकालना है, क्या करना है a का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाय √2। अब √2 तो नीचे में है डिनोमिनेटर में, आप लोग रेशनलाइजेशन पढ़े हैं कि √2 को हटा देंगे तो रेशनलाइज कर देते हैं तो 2 बाई √2 × √2, तो यहाँ पे सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा बाई √2, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2, और नीचे में √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, और √2 × R = a, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा √2R = a, याद रहेगा, मतलब याद क्या रहेगा अभी डायमेंशन में आना बोर्ड का लिख लीजिए फिर आप इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके तो इसको लिख लीजिए, हम
ओके तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लीजिए अब यहाँ पर हम क्या कर ट्रायंगल ले रहे हैं, एक इस पॉइंट को हमने क्या माना है ए, इस पॉइंट को माना हमने सी और इस पॉइंट को हमने डी माना है, ठीक है। अच्छा एक बात ये कि एडी जो होगा वो क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा, तो एडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडी का वैल्यू हो जाएगा √3a और हम लोग ए का वैल्यू क्या निकालना है, √2r निकालना है, ठीक है। ये दो अभी हम लोग तो डिराइव करके निकाले हैं, अब हमको देखिए, अब देखिए √3a तो √3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एक एटम यहाँ पे है, फिर एक कटायन है और फिर एक अनायन है, तो कितना, तो दो अनायन हो गया तो कितना हो जाएगा (2R), क्या हो गया, दो एनायन हो गया तो (2R) और फिर प्लस क्या हो जाएगा (2r), तो 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा भाई, R+r, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा √3, और ये अच्छा ए का वैल्यू कितना है आपका √2R। अब देखिए मेरा जो हमको आंसर चाहिए था, क्या चाहिए था, कैपिटल आर स्मॉल आर के वैल्यू में चाहिए था, मैं सारा वेरिएबल क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा √6, या फिर वैल्यू क्या है वो कीजिएगा, रहने दीजिए। हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, इनटू क्या हो जाएगा √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.41, √3 का वैल्यू कितना होगा 1.732 और √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.414। अब यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R+r। जब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कुछ थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा 0.225। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं हिंट कर देता हूँ, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर आपका वैल्यू आर का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसको फिर टू से उसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिलेशन जैसे वहाँ पे किया है वैसे ही रिलेशन निकालिएगा तो कितना होगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 0.225। याद रखिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कितना आता है, क्या आता है 0.225, ये चीज़ याद रहेगा। फिर अब हम लोग को देखना है अभी दो और पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड, ये भी हम लोग आज ही देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सी में क्या देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखिएगा ऑक्टाहेड्रल है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 होगा। अब इसका देखते हैं इसका एलआरआर क्या है, ठीक है। देखिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होता क्या है कि चार एटम होता है, क्या होता है चार एटम, चार ठीक है। अब बीच में क्या होता है कटायन होता है, क्या होता है कटायन, मतलब ये अनायन, ये अनायन, ये अनायन और ये कटायन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या, इसके सेंटर मान लीजिए यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है स्मॉल आर बटा कैपिटल आर निकालना है, तो ये मान लीजिए ये यही है, इसको मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है सी। हम लोग क्या देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा ये जरा देखिएगा, ये अनायन है तो अनायन का क्या हो जाएगा कैपिटल आर, फिर ये अनायन हो जाएगा तो कैपिटल आर, और यहाँ पे कटायन है तो कितना होगा 2r, क्योंकि पूरा डायमीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2r। तो अगर हमको अगर बात किया जाए तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एसी का लेंथ है 2R+r, यही होगा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर और आर, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर और आर, मतलब की बात ये है कि ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 2R और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R। तो हम जब पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC² = AB² + BC², ये करेंगे तो AC² = कितना होगा 2R+r² यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R+R, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर आर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर है, सॉरी ठीक है। अब इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ जैसे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2R² + 2R²
यहाँ पे 2r² 2r² कितना हो जाएगा, 4r² प्लस 4r², यहाँ क्या हो जाएगा इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसको देखिए डायरेक्ट हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, देखिए कर दिए ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 8r² हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8r² अभी तक जितना लिखा हुआ है उतना को लिखिए, ठीक है। हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिएगा 2R प्लस 2r यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8r का अंडर रूट, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 8 को क्या कहते हैं, 2√2 कहते हैं, क्योंकि 8 को निकालिएगा तो 2 फिर 4 फिर 2, तो ये क्या निकलेगा, 2, और यहाँ पे 2√2 क्या निकलेगा, 2√2, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2R प्लस 2r, 2R प्लस 2r। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2r को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2r माइनस 2r, तो यहाँ पे से 2 को कॉमन ले लें, तो 2R को कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो R/R इज इक्वल टू कितना होगा, √2 का वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा, यहाँ पे ले, यहाँ जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.414 कितना होगा, 0.414। देखिए कैसे √2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1.414, और माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 0.414। हमें क्या मिलता है, कैपिटल R बाय स्मॉल R बाय कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.414, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। याद रहेगा, बात समझ में आया, जितना लिखा हुआ है उतना लिख लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का देखेंगे, क्या देखेंगे, क्यूबिक वॉइड। क्या है नेक्स्ट, क्या है, क्यूबिक वॉइड, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कितना होता है, गैस कीजिए आप लोग, कितना होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, 8, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे सिंपल है, क्या होगा कि एक क्यूब बनाएंगे, एक क्यूब बना लिए, और बिल्कुल जैसे एटम वहां पे था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बड़ा, क्योंकि 2 एटम हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल जैसे इसे पिछले मतलब टेट्राहेड्रल का जैसे पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R, और यहाँ पे भी आपका एक एटम आएगा बड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल और कैपिटल आर। मतलब की बात ये है कि हम अगर ए का देखिएगा, यहाँ पे ये आर आर हो जाएगा, तो हम अगर ये पूरा एज लेंथ है तो ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2r, क्या लिखेंगे, 2r, और एक यहाँ पे एक लेंथ है, क्योंकि हमें फिर से बॉडी डायगोनल लेना है, तो बॉडी डायगोनल लेना है तो मान लीजिए ये अगर ए है, ये डी है, ठीक है, क्या है, ये ए है और फिर क्या है, डी है, उसके हमें कोई भी एक क्या ले लीजिए, सी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, या फिर सी इसको ले लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, तो √3a इज इक्वल टू क्या होगा, एक कैपिटल आर वाला, और फिर यहाँ पे एक वॉइड भी है, मतलब एक कटायन भी है ना, तो क्या हो जाएगा, एक एक आर, और फिर एक यहाँ पे आर, तो कितना आर, 2r, और कटायन में क्या हो जाएगा, 2r, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R प्लस स्मॉल r, कितना हो जाएगा, r प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2r, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3R इज इक्वल टू 2r प्लस 2r। अब देखिएगा 2r को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 2√3R माइनस 2R इज इक्वल टू 2R, फिर 2√3, 2 2 को कॉमन ले सकते हैं,
तो टू टू को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, रूट थ्री कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो टू से टू कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है 1.732, क्या होता है 1.732, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.732, क्योंकि वन में से वन माइनस हो गया ना, और ये आर को हम इधर भेज देते हैं, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.732, किसके लिए, क्यूबिक के लिए, क्या हो गया, क्यूबिक के लिए। बात समझ में आया, अब देखिए सबको हम समराइज कर देते हैं। ओके ठीक है, ओके तो अब देखिएगा हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं, चार टाइप पढ़ रहे थे, सबको समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग ट्राइगोनल प्लेन ट्राइगोनल ट्राइगोनल पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे 0.155 आया था, इसका मतलब ये है, और सेकेंड वाला टेट्राहेड्रल कितना आया था 0.225 आया था, इसका मतलब ये है कि ट्राइगोनल वॉइड कब तक बनेगा, जब तक उसका कटायन और अनायन का रेडियस 0.155 से लेकर के 0.225 तक होगा। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोरोन ऑक्साइड। सिमिलरली आपका टेट्राहेड्रल के लिए कितना होगा 0.225 से लेकर 0.414, ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना 0.414 से 0.732, और किसी का 0.73, अगर 0.8 आ जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्यूबिकल हो जाएगा, वो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगा। पर अगर 0. अगर किसी का 5 आता है, क्वेश्चन में आता है 0.515, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये वॉइड स्पेस है, तो पूछेगा कि कौन सा वॉइड यहाँ पे होगा 0.515 किसके बीच में, इसके बीच में, इसका मतलब कौन सा वॉइड ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जांपल क्या है NaCl, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा MgO, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा CsCl। जो चार्ट लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ हमने लिख दिया है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके देखिएगा अब जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि अ सॉलिड हैज NaCl टाइप क्लोज पैक स्ट्रक्चर इफ अनायन हैज रेडियस 250 पिकोमीटर, ठीक है, एंड व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस फॉर द कटायन, और कटायन के लिए क्या होगा आइडियल रेडियस। देखिएगा इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे NaCl लिखा हुआ है, तो NaCl किसका किसके एग्जाम्पल में था, ऑक्टाहेड्रल के, किसमें, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना था लिमिटिंग रेडियस, कितना था 0.414, कितना था 0.414। देखिए क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल नहीं दिया है तो एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल देख के भी पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि LRR, ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल r बाय कैपिटल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.414। अनायन का रेडियस कितना दिया है 250 पिकोमीटर, मतलब स्मॉल r इधर हो जाएगा, कैपिटल आर का वैल्यू कितना दे दिया 250 इज इक्वल टू 0.414, तो स्मॉल आर का हमें वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 0.414 इधर क्या करेंगे इसमें 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 103. समथिंग आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा कटाइन का रेडियस आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, ये आएगा सॉल्व करके 103.5 पिकोमीटर, जब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे क्या कि यहाँ पे कि आप मान लीजिए अब क्या करेगा कि आप मान लीजिए कोई और भी पूछ दे, पूछेगा कि ऑक्टाहेड्रल, तो याद रखिए कटायन का साइज इतना ही होगा, अनायन का साइज क्या होगा इतना ही होगा, बात समझ में आया। इस बात इससे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक।